हाय गाइस, आई एम प्रियंका अगेन। मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि है हमारे वाटर इफ़ेक्ट्स के बारे में। वाटर इफ़ेक्ट्स यानी कि क्या, जैसे कि आपके जो स्विमिंग पूल्स होते हैं या फिर आपके जो घर के एक्सटीरियर में जो पॉन्ड्स बनते हैं, उनका जो वाटर का जो मटेरियल होता है वो किस हिसाब से बनाया जाता है, जो कि काफ़ी सारे बच्चों के साथ होती है प्रॉब्लम कि सिर्फ मटेरियल से बन रहा है या कोई और चीज़ भी है जिसके हिसाब से इसको बनाया जाता है। तो मैं आपको बताऊँगी कि उसको बनाने में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, और ज़्यादा एफर्ट वाली चीज़ नहीं है, इट्स वेरी स्मॉल थिंग। तो मैंने यहाँ पर एक पहले से एक छोटा सा प्लेटफॉर्म तैयार करके रखा हुआ है। ये एक इंडोर स्विमिंग पूल है जो काफ़ी बड़े साइज़ में नहीं है, बहुत ही छोटे साइज़ में इसको बनाया हुआ है। तो ये जो स्विमिंग पूल का साइज़ है हमारा, इट्स 20x10 के साइज़ में मैं इसको बना रही हूँ, जो कि आप लोग किसी के भी इंटीरियर्स में अगर आपको स्विमिंग पूल वगैरह डिज़ाइन करना हो तो आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेन लिया हुआ है जिसके हमारे जो लेंथ और उसके सेगमेंट्स हैं, मैं इसको 300x300 कर दूंगी। और इसके बाद इसमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो हमारी होती हैं वेव मॉडिफायर। हम लोग मॉडिफायर में जाके वेव मॉडिफायर इसमें ले लेंगे, और मॉडिफायर को जैसे भी सेट करना है उसको उस तरीके से सेट किया कि आपको किस हिसाब से उसकी वेव लेंथ दिखानी है। अगर ज़्यादा टर्बुलेंस चाहिए तो आप ज़्यादा टर्बुलेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, कम चाहिए तो कम के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे उसमें। मैं इसको सेट कर देती हूँ अपनी टर्बुलेंस के हिसाब से जो कि मुझे चाहिए जितने भी इफेक्ट्स में। अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली होती है, आप लोगों को पानी में अगर कलर चाहिए तो कलर्ड पानी किस हिसाब से बनता है और आपका जो ग्लास का मटेरियल है वो कैसे बनता है, दोनों सिमिलर चीज़ हैं। मतलब कोई चीज़ अगर फुल्ली ट्रांसपेरेंट है तो ऑब्वियसली उसका कोई कलर नहीं होगा। तो मैं इसमें वाटर इफेक्ट नाम डाल दिया, मैं पानी का मटेरियल बनाना शुरू करती हूँ स्टैंडर्ड से वीरे मटेरियल, और एक कलर ले लेंगे जो भी हमको चाहिए। मैं एक टोटल ट्रांसपेरेंट पानी बना रही हूँ, इसकी वजह से मैंने वाइट लिया है। रिफ्लेक्शन मैंने पूरी अपनी 250 कर दी है, और रिफ्रेक्शन भी मैंने अपनी पूरी की पूरी 250x247 कर दी है। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है, आप बम्प मैप जो होता है उसमें आप अपनी नॉइस को डाल लेंगे। नॉइस का मतलब होता है कि पानी में जो कि नॉइस आपकी दिखाई देगी, जो कि ये दिखाई दे रही है इस वक्त, ये जिस तरीके से दिखाई देती है इसको आप अप्लाई कर दीजिए। और उसके बाद मैं सारी चीज़ें अनहाइड कर देती हूँ, और अब एक जैसे कि मैं बोल रही थी कि हमको एक कलर्ड पानी अगर बनाना है तो उस कलर्ड पानी को बनाने के लिए हम क्या करेंगे। जैसे मैंने अपना जो मटेरियल था वो मैंने फुल वाइट ले रखा था बिकॉज मेरे को ट्रांसपेरेंट पानी की ज़रूरत थी। और आपको अगर पानी ऐसे बनाना है कि कलर्ड होना चाहिए, तो कलर्ड पानी के लिए आप क्या करोगे, आपको एक कलर लेना है जो भी आपको अपने वाटर का रखना है, ब्लू और ग्रीन और समथिंग। उसको लेने के बाद यहाँ पर तो कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ, वो इसीलिए क्योंकि आपको जो रिफ्रेक्शन की वैल्यू है उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ फुली ट्रांसपेरेंट होती है तो वो कोई भी कलर आपका नहीं दिखाएगी। लेकिन अगर कोई चीज़ कम कर देते हैं, उसके रिफ्रेक्शन को कम कर देते हैं, रिफ्रेक्शन का मतलब होता है वीरे के अंदर हमारी ट्रांसपेरेंसी दिखाना। रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन सुनने में सब कुछ एक ही जैसा दिखाई सुनाई देता है, लेकिन उनके स्पेलिंग्स में अलग है और उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो भी काफ़ी अलग है। तो हमारे वीरे के अंदर जो रिफ्रेक्शन है उसको हम लोग बेसिकली ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। तो मैं यहाँ पर जो मेरी रिफ्लेक्शन है वो 230 के अराउंड रख दूँगी,
और जब मैं यहाँ पर इसको रेंडर निकालूंगी तो ये मेरा ब्लू कलर का पानी दिखाई देगा। अगर आपको पानी का कलर और ज़्यादा चाहिए तो यू आर गोइंग टू बी डीप ब्लू, और इसके रिफ्लेक्शन को भी फिर आप कम कर सकते हैं, चाहो तो 200 और इतना कर दो अगर आपको।